हार्ड हम पढ़ने जा रहे हैं डर हम विश्वनाथ आर्टिस्ट पढ़ रहे थे। ये पॉइंट अगला है मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ये है क्या चीज मैटेरियल नाउन माने होता है पदार्थ वाचक संज्ञा। अरे मैटेरियल माने पदार्थ है, ऐसा शब्द जिससे पदार्थ का बोध हो रहा हो दैट इज कॉल्ड मैटेरियल। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा, ऐसा शब्द जो केवल अनुभूति हो दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग क्या है वर्जित है। लड़के ने पूछा गुरु जी क्यों, तो समझाना भाई। उन्होंने कहा नियम है। तो नियम यार भगवान ने नहीं बनाया, इंसान ने बनाया, दिमाग लगाओ। तो जो तुम इंसान हो तो जिस लेबल से उसने यह नियम निकाला है वही लेबल हमारा कर दो, तो यही पढ़ाना होगा। पढ़ाना का मतलब ये नहीं जो किताब में लिखा है उतार दो, किताब में जो लिखा है उस बात को क्लियर जो कर दे वही आपको पढ़ा रहा है। सच्चाई है, पढ़ाने का मतलब यही है। ठीक है, तो किताब में लिखा मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। तो लड़का जानना चाहता है गुरु जी क्यों, तो गुरु जी ने नियम है। तो गुरु जी नियम किसी इंसान ने बनाया भगवान ने, तो जिसने बनाया उसने लगाया दिमाग, उस लेवल तक हमारा दिमाग ले चलो तब तो समझो कि आपने हमको पढ़ाया, नहीं तो मूर्ख बनाया रटाया जानना चाहोगे। इसे कहा उठाया द गोल्ड इज येलो, यह वाक्य पाठक ने बोला। यह वाक्य पाठक सोना पीला होता है, यह पाठक ने बोला। वक्ता कौन है पाठक, तो साध्य कर रहे हो द माने ओह, गोल्ड माने सोना, इज माने है, येलो माने पीला, वह सोना पीला है। यानी जितना सोना पाठक जानते हैं वह सब पीला है, बाकी सब करिया करिया है क्या। पाठक कितना सोना जानते होंगे, ज्यादा ज्यादा अपने घर में जो थोड़ा बहुत है उसी के बारे में जानते होंगे, कि संसार के सोने के बारे में जानते हैं, है ना। तो द लगा देने से क्षेत्र क्या हो जाता है सीमित हो जाता है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग क्या है बढ़िया। द लगा देने से क्षेत्र क्या हो जाएगा, अरे द माने निश्चित कर देता है। यानी जितना सोना पाठक जानते हैं वो पीला है, बाकी सब करिया करिया है क्या। तो द लगा देने से तुम्हारा सवाल क्या हो रहा है गलत। तो मटेरियल नाउन यही इतने ना समझो, जितने भी संसार के पदार्थ हैं पदार्थ वाचक संज्ञा उन सबके पहले आर्टिकल का प्रयोग क्या है वर्जित। जैसे कहा उठा द आयरन इज ए यूजफुल मेटल, द आयरन माने वह लोहा, यानी जिसके बारे में वक्ता को जानकारी है वह तो यूजफुल है, बाकी सब कूड़ा है क्या। तो द माने वह लोहा जिसके बारे में वक्ता को जानकारी है, सामने है या नहीं लेकिन वक्ता को उसके बारे में जानकारी है, वह यूजफुल है उपयोगी है, बाकी सब कूड़ा है क्या। यानी द लगा देने से आपका सवाल क्या हो रहा है सवाल। तो बताया कि मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग वर्जित था। ए और एन आएगा नहीं, आना चाहिए था, द द भी नहीं आ पा रहा क्योंकि द लगाने देने से क्षेत्र क्या हो रहा है सीमित हो रहा है पक्का। जबकि यहां पर संसार के सोने और लोहे की बात करो, अरे बिल्डिंग वेल्डिंग बनाते हो इसमें भी तो मटेरियल लगता है, कंक्रीट है स्टोन है, ये सब जितने भी पदार्थवाचक संज्ञा हैं इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग क्या है वर्जित। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है भाववाचक संज्ञा, ऐसा शब्द जो केवल अनुभूति हो दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। से कहा उठा द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, द ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या है कौन सा नाम है, ईमानदारी, अनुभूति होती है, अनुभूति होती है तो कौन सा नाम होता हो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ तो इसके पहले द माने वह ईमानदारी, जिस ईमानदारी के बारे में पाठक जानते हैं वह तो सबसे अच्छी राजनीति है, बाकी सब कूड़ा है क्या। यानी द लगा देने से हमारा सवाल क्या हो रहा है गलत हो रहा है। कहना चाहते हो संसार की जितनी भी ईमानदारी है वह सब सबसे अच्छी राजनीति है, यह कारण है कि इसके पहले अर्थ का प्रयोग नहीं हो। जैसे कहा कंपैशन
इज ए नेचुरल क्वालिटी ऑफ वुमेन. द कंपैशन लगा दो, दयालुता, दया कौन सा नाम है बोलो. द कंपैशन वह दया जिसके बारे में वक्ता को जानकारी है वही तो कंपैशन कहोगे. तो द कंपैशन इज ए नेचुरल क्वालिटी ऑफ वुमेन. दिस इज रॉन्ग. दया जो है कौन सा नाम हुआ बोलो. एब्स्ट्रैक्ट नाम. एब्स्ट्रैक्ट नाम हुआ तो इसके पहले आर्टिकल द लगाओगे तो वाक्य आपका क्या होगा गलत होगा, क्योंकि मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग क्या है वर्जित है. ए और एन तो आएगा नहीं, आना चाहिए क्या द, द भी नहीं आ पा रहा है क्योंकि द लगा देने से क्षेत्र क्या हो रहा है सीमित. कंसेप्ट क्लियर. जीवन में आएगा मैटेरियल नाउन और जैसे कहा द वर्चू इज ए रिवार्ड इन इटसेल्फ गलत है. द वर्चू नहीं हुआ क्या हुआ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. द मर्सी इज ए नेचुरल क्वालिटी ऑफ गॉड. दिस इज रॉन्ग. क्यों मर्सी क्या है कौन सा रॉन्ग. तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग क्या है वर्जित. लेकिन लेकिन वाले विशेष ध्यान रखकर लेकिन लेकिन यहां देख लो इनके पहले मतलब मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है तब जब ले लो मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है तब जब हम इसे कॉमन नाउन बना देते हैं. मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले लेकिन लिखने के बाद यहां नीचे लिखना मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है तब जब हम इसे कॉमन नाउन बना देते हैं. क्या बना देते कॉमन. अरे गाना भी सुना होगा आगे भी पीछे आप कॉमन नाउन साफ है साफ. सुना है नहीं सुना देवे बोलो आगे भी पीछे आप कॉमन नाउन साफ है साफ. आगे दी टी एच ई पीछे आप ओ एफ. आगे दी पीछे आप कॉमन नाउन साफ है साफ. ये जो है मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम बहुवचन में हम इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं तब जब हम इसे क्या बना देते हैं बेटा कॉमन नाउन. अच्छा भी बताया था द गोल्ड इज येलो तो आपने द काट दिया क्योंकि द लगा देने से क्षेत्र क्या हो रहा है यानी गोल्ड के पहले द नहीं लगे. लड़के को हटा दिया गोल्ड के पहले द नहीं लगे. अरे आप कैसे नहीं लगे. आप देखो हम बोलने जा रहे हैं जैसे गोल्ड ऑफ माई रिंग. गोल्ड ऑफ माई रिंग इज प्योर. बताइए सही है. गोल्ड लिखा इसके पहले सही है नहीं सही क्योंकि बताइए इस समय यह पूरे संसार के सोने की बात हो रही है केवल मेरे अंगूठी के सोने की बात हो रही है. बोलो मेरे अंगूठी के सोने की बात हो रही है संसार के सोने की बात नहीं हो रही है. यानी कि हो गया कबन निश्चित हो गया. अरे यार अंगूठी के सोना निश्चित ही हो गया मेरे अंगूठी का सोना तो निश्चित हो गया. निश्चित हो गया तो इसके पहले क्या लगाना पड़ेगा आर्टिकल लगाने के लिए द गोल्ड ऑफ माई रिंग इज प्योर. यानी कि मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है तब जब हम उसे कॉमन नाउन बना देते हैं. गोल्ड कॉमन नाउन हो गया. द गोल्ड ऑफ माई रिंग इज प्योर. मेरे अंगूठी का सोना जो है क्या शुद्ध है क्योंकि यहां पर सोना संसार के सोने की बात नहीं है क्यों जैसे कहा. अच्छा बताओ अभी एक बात बोला था द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी तो आपने कहा था ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. क्यों क्योंकि वहां ऑनेस्टी का व्यापक भाव है संसार की ईमानदारी की बात हो रही. एक लड़का राम है उसकी ईमानदारी बनाते हैं जैसे कहा बेटा ऑनेस्टी ऑफ राम
इज एप्रिसिएबल, ऑनेस्टी ऑफ राम इज एप्रिसिएबल। बताइए, संसार की ईमानदारी की बात हो रही है कि राम की ईमानदारी की बात हो रही है? तो राम की ईमानदारी की बात हो रही है तो ईमानदारी क्या होगी? निश्चित हो गई। इसके पहले जब निश्चित हो गई, जो चीज निश्चित हो गई उसके पहले आटके आ गया उस द ऑनेस्टी ऑफ राम इज एप्रिसिएबल। यानी कि मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल का उपयोग वर्जित है, लेकिन होता है तब जब हम उसे क्या बना देते हैं, कॉमन नाउन बना देते हैं। यह मूल कंसेप्ट हुआ पूरे नाउन का। एक संस्कृत राष्ट्र में देखो क्या कहता है, प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का उपयोग वर्जित है, लेकिन होता है तब जब उस प्रॉपर नाउन को निश्चित करना होता है। दूसरा पॉइंट, कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल का उपयोग होता ही है, लेकिन यदि कॉमन नाउन बहुवचन में आवे और पूरी जात को बोध करे तो उसके पहले आर्टिकल का उपयोग वर्जित है। यदि कॉमन नाउन एक वचन में आवे और उसका बहुत व्यापक अर्थ हो तो उसके पहले आर्टिकल का उपयोग क्या है, वर्जित है। यदि कॉमन नाउन अपवाद, यदि कॉमन नाउन एक वचन में आवे पूरी जात को बोध करे तो उसके पहले आर्टिकल काफ्य होता है। इसके अलावा आपको बताया कलेक्टिव नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग होता ही है, मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग वर्जित है, लेकिन होता है तब जब हम उसे क्या बना देते हैं, कॉमन नाउन बना देते हैं। दिस इज ऑल अबाउट नाउन, लेकिन ऑल अबाउट नाउन यानी आर्टिकल कहां लगे कहां नहीं। लेकिन अब किताब में दुनिया भर की नौटंकी समझाई गई है तो वह तो बताना पड़ेगा, नहीं तो आपको कुछ पढ़ाया नहीं, तो किताब में कुछ लिखा नहीं। तो अब अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि जो किताब की भाषा है वो ओके ये पार्ट